चलिए आज बनाएंगे दिल्ली का मशहूर स्ट्रीट फूड और ये बच्चे हों या बड़े सभी को बहुत पसंद आता है। तो चलिए हम मोमोज बनाएंगे और उसके साथ में एक बनाएंगे तिल की चटनी जो नॉर्मल चटनी से बिल्कुल अलग है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो ये रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वेलकम टू माय चैनल अंजलि यम्मी टम्मी किचन। स्ट्रीट स्टाइल मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हम सभी वेजिटेबल्स को कट कर लेंगे। तो मैंने लिया है एक पत्ता गोभी और इसको मैंने रफली बड़ा बड़ा इसको कट कर लिया है और इसके बाद इसको हम एक चॉपर में डाल के इसको हम चॉप कर लेंगे। आप इस तरह ये इलेक्ट्रिक चॉपर के साथ या फिर आपके पास अगर हैंड चॉपर हो या हाथों से जिससे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उससे इसको चॉप कर सकते हैं। देखिए ये मैंने इलेक्ट्रिक चॉपर से किया है, इससे काफ़ी बारीक चॉप हो जाता है और ये जो दूसरे तरफ रखा हुआ है ये मैंने हैंड चॉपर से चॉप किया है, तो जिससे आपको ठीक लगे आप उससे चॉप कर सकते हैं। देखिए गाजर को मैंने हैंड चॉपर से चॉप कर लिया है और प्याज को भी हम चॉप कर लेंगे और शिमला मिर्च को हम हाथों से ही चॉप करेंगे क्योंकि शिमला मिर्च अगर हम चॉपर से चॉप करेंगे तो उसमें वो पानी छोड़ देगा और बिल्कुल बेकार हो जाएगा, तो इसलिए इसको हमने हाथ से ही छोटा छोटा चॉप कर लिया है। फिर लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डाला है मैंने मक्खन और साथ में डाला है तेल और उसमें डाल दिया है मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च जिसको मैंने बारीक बारीक चॉपर में चॉप कर लिया था। थोड़ी देर हम इनको भूनेंगे, जब इसका कच्चापन निकल जाएगा तो इसमें डालेंगे हम प्याज और प्याज डाल के हल्का सा भूनेंगे। इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा ये पिंक हो जाए बस इतना ही हमें इसको भूनना होता है। और फिर इसमें डाल देंगे हम गाजर और गाजर को भी थोड़ी देर तक हम भूनेंगे क्योंकि गाजर थोड़ा सा टाइट होती है तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइट लगेगी। और एक मिनट बाद हम इसमें डाल देंगे बंद गोभी, शिमला मिर्च और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको भूनेंगे। हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि वेजिटेबल का क्रंच इसमें अच्छा लगेगा, तो इसलिए इसको ज़्यादा हमें नहीं गलाना है। अब इसमें डालेंगे काली मिर्च और सोया सॉस और इन सभी चीज़ों को डाल के हम थोड़ी देर तक इनको भूनेंगे तक भूनना है और लास्ट में हम गैस बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे हम विनेगर यानी सफ़ेद सिरका और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और देखिए हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो गई है, ये बहुत ही टेस्टी स्टफिंग बनके तैयार हुई है। आप चाहें तो इसका पराठा में भी आप इसको भर के इसके पराठे भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेंगे। फिर मैंने एक बाउल में लिया है 2 कप मैदा और साथ में इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा इसमें डालेंगे तेल और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक टाइट आटा लगा लेंगे। आटे को हमें थोड़ा सा टाइट ही रखना है और इसको अच्छे से हमें मसल मसल के हमें गूंथना है और बाद में हल्का सा ऑयल लगा के हम आटे को रख देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट करने देंगे। थोड़ी देर बाद फिर हम आटे का एक लोई लेंगे, एक बॉल तोड़ेंगे। हमें एक बड़ी बॉल लेनी है क्योंकि अगर आप चाहें तो इसको छोटा छोटा पीस करके आप इसको आप अलग अलग से भी एक एक मोमोज बेल सकते हैं, लेकिन मैं इसकी एक बड़ी सी पूरी बना लूँगी और उससे फिर ग्लास की हेल्प से मैं इसके सर्कल काट लूँगी। इससे बहुत ही जल्दी मोमोज बनके तैयार हो जाएंगे और देखिए सारे इस तरह सर्कल मैंने काट लिए हैं। फिर इसमें हम स्टफिंग भरेंगे और जिस भी डिज़ाइन में आपको ये सरल लगता हो उस डिज़ाइन से इसको बना सकते हैं और मैंने इसको इस डिज़ाइन में बनाया है। देखिए आप ध्यान, मैंने इसको बहुत ही बारीकी से बताया है कि ये इस तरह डिज़ाइन का मोमोज आप किस तरह बना सकते हैं। आपको जो भी आसान लगे उस मेथड से आप मोमोज बना के तैयार कर लीजिए। आप चाहें तो इसको पोटली शेप में भी बना के तैयार कर सकते हैं। देखिए इस तरफ दोनों तरफ से एक एक प्लीट डालते हुए हमें इसको बंद कर लेना है और हमारा मोमोज बनके तैयार हो गया है। चलिए इसी तरह मैं सारे मोमोज बना के तैयार कर लूंगी। देखिए हमारा दूसरा मोमोज भी हमने स्टफ कर लिया है। चलिए फटाफट से इसी तरह हम अपने सारे मोमोज बना के तैयार कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा
और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना और बेल बटन जरूर दबाना ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। देखिए सारे मोमोज हमारे स्टफ हो गए हैं। इसके बाद फिर मैंने एक स्टीमर में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें ये हम जाली वाली प्लेट लगा देंगे और ऊपर से हम इसमें एक डाल देंगे बटर पेपर ताकि हमारे मोमोज इसमें अच्छे से चिपके नहीं। मैंने नीचे थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था ताकि पेपर इसमें अच्छे से चिपक जाए और फिर सारे मोमोज को हम इसमें लगा देंगे और फिर इनको हमें 10 से 12 मिनट तक हम इनको स्टीम करेंगे और गैस हमें मीडियम ही रखनी है। अगर आपके पास स्टीमर ना हो तो इस तरह आप कोई भी पतीला रख के उसके ऊपर एक चलनी रख के सारे मोमोज आप उसमें इस तरह लगा लीजिए। और चलिए जब तक मोमोज हमारे स्टीम हो रहे हैं तब तक हम बना लेते हैं एक बढ़िया सी तिब्बतन स्टाइल की चटनी। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के तेल को मैंने भून लिया था। हल्का सा भूनने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया है प्याज और लहसुन और साथ में डाली है कश्मीरी लाल मिर्च। इससे हमारी चटनी में बहुत अच्छा कलर आएगा। और तीखे के लिए मैंने डाल दिया है एक तीखी वाली लाल मिर्च। स्वादानुसार डाल देंगे नमक और थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है हल्दी और थोड़ी देर तक हम इसको भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे दो टमाटर और जब तक टमाटर हल्के से सॉफ्ट नहीं हो जाते गल नहीं जाते तब तक हमें इसको भूनना है। और अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो मिर्ची अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैं बिल्कुल इसको कम ही तीखी बनाऊँगी क्योंकि बच्चे ज़्यादा तीखा नहीं खा पाते हैं। और फिर इसको हम ठंडा करके हम पीस लेंगे और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे नींबू का रस और हमारी टेस्टी सी चटनी बनके तैयार हो गई है। अगर आप और भी चटनी के वीडियो देखने चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पे हैं तो मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी और लास्ट में एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगी तो आप वो वाली चटनी भी तीखी वाली आप चेक कर सकते हैं। और 15 मिनट बाद देखिए हमारे मोमोज बनके तैयार हो गए हैं। ऊपर से थोड़ा सा हम हरी धनिया से इसको गार्निश कर देंगे और चलिए अब हम इन्हें सर्व करेंगे बिल्कुल ही स्ट्रीट स्टाइल में। साथ में मैंने रखी है मेयोनीज और हमारी बनी हुई टेस्टी सी चटनी। और देखिए अब मैं इसको काट के इसकी स्टफिंग दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे और टेस्टी मोमोज बनके तैयार हुए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल बटन जरूर दबाना ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तब तक बाय बाय।